गुंजन सिंह फेंक दिए करोड़ों रुपए उड़ा दिए हवा में, चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये सवाल सबके मन में है। और ये कहना मेरा नहीं, कुछ लोगों का कहना है। कुछ लोगों से मैं जब फ़ोन पर बात किया तो लोग यही बोलते हैं, नवादा ज़िले के लोग, ये हो पैसा तो खर्चा हती करे, मेहनत तो हती करे, काम तो हती करे, चुनाव में टिकट मिलती तब ना जी। ये कहना मेरा नहीं है, वो नवादा की जनता का कहना है। दरअसल बात ऐसी है कि गुंजन सिंह जब से नवादा लोकसभा चुनाव के लिए एक्टिव हुए हैं, लगातार अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब होता क्या है कि मैं जो भी बात बोलूँगा बहुत फैक्ट बहुत दावे के साथ बोलूँगा, क्योंकि मुझे 3-5 ओल झोल नहीं आते हैं। जो परफेक्ट बातें होती है मैं अपने ऑडियंस के पास रखना चाहता हूँ। गुंजन सिंह चुनाव में जीतने के लिए, चुनावी क्षेत्र में आने के लिए, चुनावी मंच पाने के लिए हर एक हथकंडा अपना रहे हैं। हर एक हथकंडा का मतलब ये कि अमीर से लेकर गरीब से लेकर हर एक लोगों को एक नज़र से देख रहे हैं। और गुंजन सिंह नो डाउट युवा हैं, काम भी कर रहे हैं। हालांकि बहुत दिन से वहाँ पर चर्चाएँ हो रही हैं कि नेक्स्ट MP गुंजन सिंह, अगला MP गुंजन सिंह बनने वाले हैं। तो वहाँ से मैं जब दर्शकों से राय लिया तो दर्शक का मन है कि गुंजन सिंह को मैं चुनाव में वोट करूँ। अब बात रह जाती है कि गुंजन सिंह करोड़ों रुपए पैसे खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए जब पैसे खर्च करने के बाद अगर गुंजन सिंह को टिकट नहीं मिलता है तब क्या होगा। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा हमने बहुत चीज़ अनुभव किया है, बहुत चीज़ हमने देखा है कि गुंजन सिंह जैसे चाहे जो भी लोग हैं बहुत क्षेत्र में मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद वैसे युवाओं को अगर टिकट नहीं दिया जाता है किसी पार्टी के द्वारा, हालांकि ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं कि गुंजन सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, दल से लड़ेंगे या फिर निर्दल लड़ेंगे, लेकिन वहाँ की जनता गुंजन सिंह को काफ़ी प्यार दे रही है, काफ़ी चाह भी रही है। लेकिन गुंजन सिंह करोड़ों रुपये खर्च करके अगर उनको किसी पार्टी से टिकट न मिले तो कितना नाइंसाफ़ी होगी। तो मैं इसलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि वहाँ के जितने भी ऑडियंस हैं, वहाँ के जितने भी जनता है, इस कमेंट में अपना जवाब को देंगे, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। अगर गुंजन सिंह सभी क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, सभी क्षेत्र में अमीर से गरीब को लेकर मदद कर रहे हैं, ब्रजपात में जिसके यहाँ कोई घटना हुई थी वहाँ पर जाकर कुछ आर्थिक दान कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, नो डाउट। अच्छा, गुंजन सिंह एक सुपरस्टार हैं, एक अभिनेता भी हैं और एक कलाकार भी है, लेकिन कलाकार के हैसियत से फेस वैल्यू तो उनका काफ़ी बना हुआ है। लेकिन चुनावी क्षेत्र एक ऐसा होता है कि पैसा जब गुंजन सिंह बहाएंगे वहाँ से और बाहुबली एक से एक तोप सुरमाएंगे, पैसा का बंडल लेंगे, पैसे का बंडल छीटेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। गुंजन सिंह क्या होगा, चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ऐसा ही हमने बहुत सारे जगह पर देखा है कि जनता को कुछ लोग गुमराह कर देते हैं, गुमराह करने के बाद चुनाव जीत जाते हैं, और जो ईमानदार आदमी होता है चुनाव में क्षेत्र में कुछ करना चाहता है, क्षेत्र का विकास करना चाहता है, वैसे लोगों को चुनाव में टिकट ना देकर बाहुबलियों को टिकट दे दिया जाता है। हालांकि गुंजन सिंह से हमने बात करने का प्रयास किया था, गुंजन सिंह डायरेक्ट यही बोले कि मुझे पैसा देकर विधायक सांसद मंत्री नहीं बनना है, मैं सेवा करना चाहता हूँ। 70 वर्षों में वहाँ पर नवादा ज़िले में यानी कि नवादा का कोई भी लोकल आदमी सांसद नहीं बना है, तो गुंजन सिंह उसी के भरोसे अपना मूड बनाए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि गुंजन सिंह को जनता कितना सपोर्ट करती है और पार्टी कितना सपोर्ट करती है। हालांकि हमने जिस तरीके से वहाँ अनुभव और आंकड़े मिलाए तो गुंजन सिंह के प्रति युवाओं का जोश काफ़ी है, युवाओं काफ़ी चाह रहे हैं कि गुंजन सिंह हमारे क्षेत्र में आए, हमारे लिए सेवा करें, हमारा सांसद बने। लेकिन गुंजन सिंह सांसद बनेंगे जब अच्छी पार्टी अगर टिकट देगी तो चुनाव निकालने में आसानी हो जाती है। अब बात करते हैं, टिकट अगर नहीं मिलेगा निर्दलीय हो जाएंगे, तो निर्दलीय होंगे चुनाव जीत भी सकते हैं, चुनाव नहीं भी जीत सकते हैं। वो मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे जीत सकते हैं, कैसे नहीं जीत सकते हैं। गुंजन सिंह अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण पर हैं, लगातार गरीबों को मदद कर रहे हैं, लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और फेस वैल्यू उनका काफ़ी बना हुआ है। मगध क्षेत्र में गुंजन सिंह का पहचान और पकड़ बहुत ज़्यादा तेज है, तो चुनाव जीत भी सकते हैं। युवा जिस तरीके से गुंजन सिंह को पसंद कर रहे हैं अभी, तो गुंजन सिंह को वोट युवा करेंगे। जब युवा वोट करेंगे तो युवाओं के जो गार्जियन होते हैं गुंजन सिंह को वोट करेंगे ही करेंगे। लेकिन साहब वो कैसे होगी वोट, क्योंकि बिहार को जातिवाद के दलदल में पहले ही लोग ढकेल चुके हैं और जातिवाद तो चरम सीमा पर है, हर एक लोग जातिवाद करते हैं। लेकिन मैं देखा जब गुंजन सिंह का एक दुख कार्य को मैं सुना, वहाँ के लोगों से जब सराहना किए
कि वहाँ दलित से लेकर महादलित से लेकर गरीब अति पिछड़ा सभी के पास गुंजन सिंह जा रहे हैं, वो अपने आप को स्टार नहीं समझ रहे हैं, अपने बाउंसर अपने बॉडीगार्ड को पीछे छोड़ रहे हैं, गुंजन सिंह अकेला चलने को तैयार है। तो बहुत खुशी होती है कि ऐसे ऐसे सुपरस्टार अगर समाज सेवा करें तो जरूर है कि देश का विकास बिहार का विकास हो सकता है। लेकिन गुंजन सिंह को अगर टिकट नहीं मिलता है तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी। हालांकि गुंजन सिंह टिकट की तैयारी में है, हालांकि गुंजन सिंह अभी यह घोषणा भी नहीं किए हैं को किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सबके मुंह से यही बात निकल रहे हैं कि काम तो करी है थी गुंजन सिंह, मतलब कि यही भाषे में काम तो गुंजन सिंह कर रहे हैं, देखिए पार्टी वाला टिकट देगा तब ना। मैंने ये भी जानने का प्रयास किया कि आप वोट किसको करेंगे, तो बोल रहे हैं कि गुंजन सिंह को मैं वोट करूंगा, भाई मेरे को मदद किए हैं। आप देखना ही होगा कि गुंजन सिंह चुनाव जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च गुंजन सिंह अपने क्षेत्र में अभी तक कर चुके हैं। ये मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरीके से वहाँ के लोग बता रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ के क्षेत्रीय निवासी बता रहे हैं, मैं उसी अनुमान पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप ये बताइए कि गुंजन सिंह को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप कॉमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे। अगर गुंजन सिंह निर्दलीय चुनाव भी लड़ते हैं तो गुंजन सिंह जैसे लोगों को तबाही जैसे लोग सपोर्ट करेंगे, चाहे गुंजन सिंह किसी भी पार्टी से आए। उनका व्यक्तित्व हमने देखा, जब वहाँ हमने जांचने का परखने का प्रयास किया, हालांकि बिहार में तो जातिवाद है, जातिवाद के आंकड़े जब चढ़ने लगते हैं तो बिहार में जातिवाद न किसी को छोड़ा है न कभी छोड़ेगा, लेकिन गुंजन सिंह को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि भाई वो गरीबों का अगर मदद कर रहे हैं तो बिल्कुल उनको सपोर्ट करनी चाहिए। अब यही देखना होगा कि गुंजन सिंह पैसे बांट रहे हैं और पैसे बांट रहे हैं, किसी को पैसे खिला नहीं रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं पैसे बांट कर, और पैसा बांटें गुंजन सिंह अब खा जाए टोपी वाला। ये भी देखना होगा कि गुंजन सिंह को टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। अगर गुंजन सिंह को टिकट नहीं भी मिलेगा तो गुंजन सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ के युवा गुंजन सिंह को काफ़ी सपोर्ट कर रही है, काफ़ी प्यार कर रही है, और गुंजन सिंह का वहाँ पर चेहरा लोकप्रिय है। गुंजन सिंह चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन गुंजन सिंह के सपोर्ट करने वाले वहाँ पर काफ़ी लोग हैं, काफ़ी जगहों पर हमने जानने का प्रयास किया तो सभी जगह का जगह पर गुंजन सिंह का बोलबाला अच्छा है। अब गुंजन सिंह को ये देखना होगा, अब गुंजन सिंह युवाओं को ये देखना होगा कि वहाँ के युवा क्या कर रहे हैं, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी पर दबाव बनाएंगे उनके युवा। तो अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन हाँ इतना जानकारी मैं दे रहा हूँ कि 2024 के चुनाव में गुंजन सिंह भी ताल ठोंक दिए हैं। अब कितना बाहुबली आएंगे, कितना तोप आएंगे, कितना सूरमा आएंगे, गुंजन सिंह चुनाव लड़ने का मूड बना लिए हैं। हालांकि एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी आदमी सुपरस्टार गुंजन सिंह हो चाहे जो भी हो, जब क्षेत्र में काम करने लगते हैं, पैसे खर्च करने लगते हैं, जनता पर निछावर करते हैं, अपने समाज सेवा करने उतरते हैं, तो बड़े बड़े पार्टियों में हमने देखा है कि पार्टी वाले जब मना करते हैं, फलाने जी गुंजन जी एक बार आप बैठ जाइए, अभी समाज सेवा फलाने को आप समर्थन कीजिए, ऐसा भी हमने देखा है। इसलिए मैं जो भी बात बोलता हूँ फैक्ट बात बोलता हूँ, गुंजन सिंह को अगर चुनाव जीतना होगा और चुनाव में अगर क्षेत्र में वहाँ पर अपना दबदबा कायम करना होगा, किस पार्टी से आएंगे नहीं आएंगे मैं नहीं जानता हूँ, गुंजन सिंह को चुनाव लड़ना ही होगा क्योंकि वहाँ के युवा मूड बनाए हैं गुंजन सिंह को वोट करने के लिए। तो गुंजन सिंह को टिकट मिलती है या नहीं मिलती है वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल इतना हमारे पास जानकारी थी कि गुंजन सिंह के वहाँ के युवा काफ़ी पसंद कर रहे हैं। गुंजन सिंह सभी के घरों में जाने का प्रयास कर रहे हैं, हर एक घर से गुंजन सिंह जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, आपका भाई छोटू तबाही, और ये मेरा जवाब कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।